स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मिथाकॉम और मिथाकॉम आप लोगों का स्वागत करता है। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज को देखेंगे। ये वाली आइडेंटिटीज आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन आइडेंटिटीज को आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो क्या होगा कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज को जब मैं सोल्व करूंगा तो आपके समझने के लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूले आ रहे हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रिलेटेड फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। ये वाले फॉर्मूले हैं जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इनको एज इट इज हमें याद करना है। दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव तो आपको पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। कंप्लीट मैथमेटिक्स आपकी फॉर्मूला बेस्ड है। सेकंड वाला फॉर्मूला दिखाई रहा है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इनको यहाँ इस तरह से देखो, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन में क्या होता है दोनों अलग अलग होते हैं, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। साइन वाले फॉर्मूले में, कोस वाले फॉर्मूले में क्या होता है दोनों सेम रेशियो एक साथ रहेंगे, जैसे कोस ए कोस बी, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने चार फॉर्मूले याद कर लिए। साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोस ए प्लस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस होगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा। कोस में ऑपोजिट साइन चलता है और साइन में सेम साइन चलता है। इसी तरह टेन में अगर फॉर्मूले इसकी बात करूँ मैं, टेन के फॉर्मूले जो होंगे वो ये हो जाएंगे, जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल क्या हो जाएगा अगर यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ। ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करते हैं हम, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। टेन ए प्लस बी आप लोग याद रख लेंगे। फिर उसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में, अगर ए की जगह 45 आ जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन 45 प्लस टेन ए अपन वन माइनस टेन ए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे। टेन 45 की वैल्यू हम जानते हैं तो डायरेक्ट इसको लर्न कर लो आप लोग, टेन 45 प्लस ए क्या हो जाएगा वन प्लस टेन ए अपन वन माइनस टेन ए, और टेन 45 माइनस ए क्या हो जाएगा वन माइनस टेन ए अपन वन प्लस टेन ए। अगर यहाँ उसी तरह क्या हो जाएगा, इस प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ जो रहेगा साइन वो न्यूमरेटर में सेम साइन रहता है। इस तरह हम लोगों ने काफ़ी फॉर्मूले देख लिए। अब आगे चलते हैं, आगे दो फॉर्मूले और काम के हैं इसमें। जैसे एक फॉर्मूला है ये वाला, एक ये वाला, हम जानते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ साइन लग जाएगा तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा साइन लग जाएगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, इधर साइन लग जाएगा तो उधर भी क्या लग जाएगा साइन लग जाएगा। कोस के फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर यहाँ कोस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, साइन में तो दोनों रेशो साइन के रहेंगे लेकिन कोस में क्या हो जाएगा एक रेशो चेंज हुआ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 2.1 में काम आने वाले हैं, तो इन लोगों को लिख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद 2.2 के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला कहलाता है कि मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन में आपको रेशोज गिवन है, उन रेशोज को आप लोगों को क्या करना है प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, तो इनको कैसे याद रखेंगे हम, इसमें सबसे पहली बात आती है टू साइन ए कोस बी। टू साइन ए कोस बी का क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी का क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कैसे याद रखेंगे, और टू कोस ए साइन बी। अब इसको याद रखने का तरीका देख लो, सबसे पहले इनको याद रखने के लिए क्या करना होता है हमें, अगर इधर दोनों रेशो अलग अलग है साइन कोस है साइन कोस है तो इधर क्या आएगा साइन साइन आएगा, इधर दोनों रेशो अलग अलग है साइन कोस तो इधर क्या आ जाएगा साइन साइन आ जाएगा।
अगर यहाँ साइन पहले है तो बीच में प्लस आएगा, और अगर कोस पहले है तो बीच में माइनस आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे दोनों रेशो अलग अलग है, इन दोनों में अगर दोनों रेशो अलग अलग है तो इधर क्या आएगा, साइन आएगा दोनों जगह, दोनों जगह साइन आएगा। अगर साइन पहले तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, और कोस पहले है तो बीच में माइनस आ जाएगा। यही हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? दोनों रेशो अलग अलग है तो दोनों किस तरफ क्या आएगा, साइन साइन आएगा। साइन साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और अगर साइन पहले तो प्लस आ जाएगा, कोस पहले है तो माइनस आ जाएगा। अगर दोनों रेशो सेम है तो इधर क्या रहेगा, हमेशा कोस रहेगा, और कोस कोस वाला है तो प्लस रहेगा, साइन वाला है तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मूले में पूरा। तो कैसे याद रखोगे? चलो देखो कैसे याद रखना है। टू साइन ए कोस बी क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कोस ए साइन बी क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है तो क्या आएगा, साइन आएगा। साइन ए प्लस बी कोस पहले है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साइन ए माइनस बी। कोस कोस ए कोस बी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, कोस आ जाएगा। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, सबसे आसान फॉर्मूला। दोनों साइन साइन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो इधर क्या आएगा, कोस आएगा। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यहाँ स्टार मार्क कर देना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी क्या किया हम लोगों ने कि प्रोडक्ट में दे रखे हैं फॉर्मूले, उनको किस में कन्वर्ट किया, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट वाले जो देखने वाले फॉर्मूले उसमें क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा नेक्स्ट वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है सम और डिफरेंस में गिवन है, उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, साइन साइन आते हैं इस तरफ, पीछे वाले फॉर्मूले से ही याद रखो आप लोग, साइन साइन आते हैं राइट हैंड साइड में, तो बीच में प्लस आता है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं, साइन और कोस आते हैं। साइन सी प्लस साइन डी बीच में प्लस है और दोनों क्या है, साइन साइन है, तो इधर क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ बीच में माइनस है तो पीछे वाले फॉर्मूले को देखो आप लोग, यहीं से पूरा जनरेट हो रहा है ये फॉर्मूला भी। यहाँ पे बीच में माइनस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, कोस पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन साइन है तो इधर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब कोस कोस है तो इधर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कोस कोस सी प्लस डी में क्या आता है, कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। कोस सी माइनस डी की कहाँ आता है, कोस सी माइनस डी में क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू। इसमें कहाँ डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें याद रखना है। आठों फॉर्मूले थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो इन फॉर्मूलेज को आप लोग अच्छे से दो बार तीन बार चार बार लिख के याद कर लीजिए। जो ट्रिक बताई है मैंने उन ट्रिक के हेल्प से याद रखिए कि दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड में सेम आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, कोस के रेशियो रहेंगे। इसी तरह सी डी वाले में क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। इस तरह आप लोग इन आठों फॉर्मूले को याद रख लेंगे। फिर उसके बाद आती है बात हाफ एंगल फॉर्मूले की। ये वाले जो फॉर्मूले एक्सरसाइज थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज थर्ड के कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसके फॉर्मूले हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी काम आते हैं। इन फॉर्मूलेज को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूले को हाफ एंगल फॉर्मूला इसलिए कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो एंगल गिवन होता है क्वेश्चन में उसका आधा हो जाता है। जस्ट जैसे यहाँ टू ए गिवन है एंगल, तो जो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए ए हो जाएगा, तो साइन टू ए का क्या हो जाता है, टू साइन ए कोस ए होता है। साइन टू ए का क्या हो जाता है, टू साइन ए कोस ए हो जाता है। कोस टू ए के तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन में काफ़ी काम आने वाले हैं। कोस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है और टू कोस स्क्वायर है माइनस वन। तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है और टू कोस स्क्वायर है माइनस वन। टेन टू ए का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, टू टेन ए अपन वन माइनस टेन स्क्वायर है। इसको बार बार लिखोगे तभी याद होने वाले हैं, बार बार लिखिए आप लोग कॉपी में बैठ के। फिर इसी की तरह अगर साइन टू ए की जगह थ्री ए गिवन हो एंगल में, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थ्री का होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन टू पे, कोस थ्री का होता है फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए। टेन थ्री का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो रहने ही दो। साइन टू ए का अगर टेन के फॉर्म में बोलता हूँ मैं, तो टू टेन ए अपन वन प्लस टेन स्क्वायर है। टेन टू ए का भी एक फॉर्मूला था ऐसा ही, टू टेन ए अपन वन माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ ध्यान रखना, टेन होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और साइन होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कोस टू ए का टेन के फॉर्म में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर है अपन वन प्लस टेन स्क्वायर है। इस तरह हम लोगों ने क्या देखे, इस तरह हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी फॉर्मूले देख लिए। इन फॉर्मूलेज को आप लोग दो बार तीन बार चार बार पाँच बार लिख के याद कर लीजिए। जो आठ फॉर्मूले सी डी फॉर्मूले और मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले हैं उस पर क्वेश्चन बनता है छः नंबर का, तो उनको लिख लिख के बार बार याद कर लीजिए।
क्योंकि अगर फॉर्मूला ही गलत अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सही नहीं होने वाला है, इसीलिए याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं मेथड को, आप लोग क्या कीजिए, मुझे टेलीग्राम व्हाट्सअप फॉलो कर दीजिए, इससे क्या होगा कोई भी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर हो पाएगी। आप लोग क्या करें, चैनल को देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, किसी भी और एक्सरसाइज या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और अपना एक ही टारगेट है कि इस साल मैथ्स में बैक नहीं लगनी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं मैथों को, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।